उत्तराखंड के अधिकारी सोते रहते हैं और खनन माफिया अवैध उत्खनन कर सरकार को करोड़ों के राजस्व की चपत लगाता रहता है। जानकार कहते हैं कि इन सब में स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत होती है, इसलिए वे अपना मुंह बंद रखते हैं। फतेहपुर रेशम माजरी में दिन दहाड़े खनन माफिया अवैध खनन को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। बेखौफ खनन माफियाओं को शासन प्रशासन का कोई भय नहीं है, या यूं कहें अधिकारियों की मिली भगत से ये कानून की आंखों में धूल झोंक कर ये दिन रात राजस्व की चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्षेत्रवासियों से बात करने पर पता चला कि दिन हो या रात हो, फतेहपुर में अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। लोगों का कहना है कि अवैध खनन से रात को उनकी नींद भी खराब हो जाती है। अवैध खनन के वाहन सड़कों पर इतनी तेजी से चलते हैं कि दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। अवैध खनन माफिया इतने बेलगाम हो चुके हैं कि ना ही उन्हें पुलिस का डर है, ना खनन अधिकारी का और ना ही प्रशासन का। जहां ये अवैध खनन चल रहा है, यहां से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही लाल टप्पड़ चौकी है, लेकिन सिस्टम अवैध खनन नहीं रोक पा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि राजस्व की चोरी होना कब बंद होगी? इस बारे में संबंधित अधिकारी मीडिया से बच रहे हैं, जो जाहिर करता है कि अवैध खनन में सबकी हिस्सेदारी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।